अगर आप सबको जैपनीज मूवी देखना पसंद हो, आप नई नई जैपनीज मूवीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दो बहुत ही बेहतरीन जैपनीज मूवी के बारे में, जिसमें से पहला जो है उसका नाम है अनोहना और इंग्लिश में इसका नाम है द फ्लावर वी सॉ दैट डे। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 7.2 out of 10 और इसमें जो मुख्य करेक्टर्स हैं उनका नाम है, इसमें पहला जो मुख्य करेक्टर उसका नाम है जिंटान, जो दूसरा मुख्य करेक्टर है उसका नाम है मेनमा, जो तीसरा मुख्य करेक्टर उसका नाम है सुरुकु, जो चौथा मुख्य करेक्टर उसका नाम है युकी आत्सू, जो पांचवा करेक्टर उसका नाम अनारू है और छठा करेक्टर पोपो। ये इस मतलब इसमें छः दोस्त होते हैं, स्टोरी कुछ तरह की है कि छः दोस्त होते हैं ये, और बचपन में जब ये खेल रहे होते हैं तो उसमें से मेनमा जो होती है वो एक्सीडेंटली उसका डेथ हो जाता है, जिसके बाद वो छः दोस्त जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और वो उसके बाद वो बड़े होने के बाद फिर मिलते हैं। इसमें से जो जिंतान होता है वो मेनमा के घोस्ट को देख सकता है, जिसके कारण वो मतलब उसको सुन सकता है और बाकी लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो मतलब उसको लगता है कि उसी की वजह से मेनमा की डेथ हुई और वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड रहता है उसकी वजह से। तो इसमें जो बाकी करेक्टर्स वो नहीं देख पाते हैं मेनमा के घोस्ट को, तो मेन सिर्फ जिंतान को ही उसको देख पाता है और उसकी बातों को सुन सकता है, तो वो उसकी आखिरी विश को पूरा करना चाहता है। तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जो मेनमा की आखिरी ख्वाहिश होती है वो जिंतान की माँ से कही होती हैं, वो देखना चाहती हैं फायरवर्क्स और अपने बच्चे को मतलब जिंतान को रोते हुए देखना चाहती थी, वो चाहती हैं कि वो अपने, क्योंकि जिंतान जो है वो कभी रोता नहीं है और अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखता है, मतलब सैड नहीं दिखाना चाहता है, वो अपने आप को टफ मतलब दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ चाहती हैं कि वो रोए। जिंतान की जो माँ होती हैं वो काफ़ी बीमार होती हैं और वो उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, वो मतलब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगी, जानते हुए जिंतान उनके सामने कभी भी रोता नहीं है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता है, और उसकी माँ जो होती हैं इस चीज़ को लेकर बहुत मतलब परेशान होती हैं कि वो मतलब अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं कर पा रहा है, वो उनकी विश होती है कि वो अपने चीज़ों को मतलब जाहिर करे। और मेनमा से ये बातें उन्होंने बताया था, तो मेनमा की भी ये आखिरी विश बन जाती है। तो सारे दोस्त जो होते हैं मेनमा की विशेज़ को पूरा करते हैं साथ में मिलके, और मतलब वो फायरवर्क्स का मतलब ये मतलब मेनमा की ये ख्वाहिश होती है फायरवर्क्स देखना, तो वो भी मतलब सारे दोस्त मिलके मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं साथ में। उसके बाद जो मेनमा होती हैं वो चली जाती हैं मतलब हमेशा के लिए मतलब दोस्तों के, काफ़ी भी मतलब सैड मूवी है ये, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी। जो दूसरी मूवी है उसका नाम है लास्ट लेटर, ये काफ़ी अच्छी मूवी है, इसका जो रिलीज डेट है 2020 में ही रिलीज़ हुआ था, और इसमें जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है आयुमी, जो दूसरा मुख्य कैरेक्टर उसका नाम है फुका, जो तीसरा मुख्य कैरेक्टर उसका नाम है तोनो मिसाकी, और जो चौथा मुख्य कैरेक्टर है वो ओतो साका कियोशिरो है, और जो पांचवा मुख्य कैरेक्टर उसका नाम है तोनो यूरी, जो कि मतलब मिसाकी की बहन होती हैं। इसमें जो दोनों इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें जो दोनों मिसाकी होती हैं वो मतलब मर चुकी होती हैं, उसके मतलब उनकी बहन जो तोनो यूरी होती हैं वो उनके जगह पे मतलब तोनो मिसाकी बन के मतलब उनके प्रेमी को मतलब जो उनसे मतलब लव करते थे उनको लेटर भेजा करती हैं, तो जो कि ओतोसो का क्यूसरो होते हैं वो लव कर रहे होते हैं मतलब मिसाकी को, लेकिन मिसाकी को ये बात पता नहीं होता है, क्योंकि मतलब वो जो लेटर देते हैं वो उनकी बहन को कभी देती ही नहीं है, क्योंकि जो दोनों यूरी होती हैं वो पसंद कर रही होती हैं योशिरो को। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी, तो बाद में जब वो उनको पता नहीं होता है मतलब वो अपनी लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो बाद में जब वो बड़े होने पे मिलते हैं, दोनों की शादी हो चुकी रहती है, लेकिन दोनों मिसा की होती हैं वो मर चुकी होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है योशिरो को कि तो मतलब दोनों मिसा की मतलब मर गई हैं, मतलब ये पता नहीं होता है। तो दोनों यूरी होती हैं वो मिसाकी का मतलब रोल मतलब उनकी मतलब उनकी जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं और उनको लेटर लिखा करती हैं, तो और जो क्योशिरो जो लेटर भेजते हैं इनको तोनो मिसाकी को के नाम पे, वो उनकी जो होती हैं तोनो मिसाकी की जो बेटियाँ होती बेटी होती है वो मतलब उसको रिसीव करती। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे सारे वीडियोज़ को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।